ऑफ करता हूँ, ठीक है? सोलर मैं कर दूंगा ऑफ, टीवी ये ऑन है अभी। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ टेक एंड ट्रेवल वी में। तो फ्रेंड्स, आज का हम ये वीडियो UTL Gamma Plus के UPS मोड के ऊपर बना रहे हैं कि फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी व्यूअर्स के क्वेश्चन आते हैं कि UTL Gamma Plus का UPS मोड वर्क करता है या नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आज का यह एक क्वेश्चन निशांत कुमार जी ने यह क्वेश्चन भेजा है मुझे। इनका जो MI का TV है वह जो UTL Gamma Plus का जो UPS मोड है उस पर वर्क नहीं करता है, वो बंद हो जाता है। तो इनका जो MI का TV जो बंद हो जाता है, तो इसमें मैं आज आपको UTL Gamma Plus की कुछ सेटिंग के बारे में भी बताऊंगा, जिससे कि UTL Gamma Plus का UPS मोड है बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आपका TV, लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी ऑफ नहीं होगा लाइट जाने के बाद। तो फ्रेंड्स, यह मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है मेरे LG का TV और यहाँ पर यदि आपके पास MI TV है तो कोई दिक्कत नहीं है, वह भी ऑन हो जाएगा। और यह मेरे पास है LG का TV, अगर ये ब्लिंक नहीं हुआ, ये ऑफ नहीं हुआ, तो आपका MI का TV भी चल जाएगा और कंप्यूटर भी चल जाएगा, लैपटॉप भी चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं और अभी सोलर ऑन है, तो अभी टाइमिंग हो रहा है लगभग 1:10 अभी हो रहा है, तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए TV ऑन हो रहा है यहाँ पर और ये नीचे सेटअप बॉक्स है। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ सेटअप बॉक्स की भी टेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि सेटअप बॉक्स मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि सेटअप बॉक्स ऑन होता है या नहीं होता है, सेटअप बॉक्स के बारे में भी टेस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स है। मैं आवाज़ बंद कर देता हूँ इसकी, ठीक है? TV हो गया है ऑन। तो अभी मैं सोलर ऑफ करता हूँ, ठीक है? सोलर मैं कर दूंगा ऑफ और TV ये ऑन है अभी, यानी सोलर से ये मेन पर आ जाएगा, क्योंकि हमें UPS मोड का ही चेक करना है। किचन में सोलर की MCB ये है, इसको मैं कर देता हूँ ऑफ और यहाँ से इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो देखिए अभी फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेंस अभी ऑन हो जाएगा कुछ देर में। देखिए यहाँ पर मेंस अभी ऑफ है, तो करंट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए अभी ये स्क्रीन रेड हो गई, ऑरेंज हो गई, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मेंस भी आ गई। तो अब हम UPS मोड इसका चेक करेंगे। अब यहाँ से हम अगर मेंस को अभी ऑन कर ऑफ करेंगे तो ये UPS मोड चेक हो जाएगा, ठीक है? हम देख लेंगे। तो अभी ये देखिए TV ऑन है, तो हम सबसे पहले हम TV को देखते हैं। और यहाँ पर देखिए सोलर की ये MCB है फ्रेंड की, ये मैंने ऑफ कर रखी है, यानी सोलर से भी ये नहीं चल रहा। यहाँ पर ये चल रहा है। तो अभी मैं UPS जो मोड है उसको मैं चेक करता हूँ और यहाँ पर अभी मैं मेंस को ऑफ करूँगा, ठीक है? मेंस पे ऑफ करूँगा और तुरंत जाके हम देखेंगे कि TV ऑफ हुआ है या नहीं। यहाँ से ये ऑरेंज लाइट है, ये ऑरेंज लाइट है, ये अभी देखिए यहाँ से ये मैं ऑफ कर दूंगा, इसको ऑफ कर दिया। अब हम तुरंत जाके देखते हैं TV ऑफ। देखिए TV अभी तक चल रहा है, अभी ये UPS मोड से यह बैटरी पर शिफ्ट हो गया है UPS मोड के द्वारा। तो यहाँ पर यह बैटरी पर शिफ्ट हो गया है, तो बैटरी से भी चल रहा है, मेंस अभी ऑफ है। तो अभी मैं मेंस को ऑन करता हूँ, फिर देखते हैं कि TV बंद हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पर मेंस को मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पर फ्रेंड्स अभी देखिए ये ऑरेंज होगा, देखिए ऑरेंज हो गया। अब हम देखते हैं, देखिए अभी भी ये चल रहा है, ठीक है? यानी TV और सेटअप बॉक्स दोनों चल रहे हैं। अभी एक बार फिर से हम करके देखेंगे, देखिए ऑरेंज कलर की लाइट है और यहाँ पर
मैं मेंस को ऑफ करता हूँ। देखिए अभी भी ये चल रहा है, ठीक है। अभी मैं एक बार फिर से करके देखता हूँ और अभी इसको मेंस को मैं ऑन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखिए ऑरेंज कलर की लाइट अभी जल जाएगी तो ये शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेंस मैंने ऑन कर दी है, देखिए यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइट आ जाएगी। लगभग 15 सेकंड लगता है लाइट आने में। देखिए मेंस अभी ऑन है और यहाँ पर इन्वर्टर बीप की आवाज़ करेगा। देखिए आगे और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि टीवी, देखिए टीवी अभी भी चल रही है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टीवी अगर ऑन होगा तो लगभग जो एंड्रॉयड टीवी सेटअप बॉक्स प्रॉपर ऑन होने में लगभग लगा देता है 2 से 3 मिनट, ठीक है। तो जैसे ही हम मेन से इन्वर्टर पे शिफ्ट कर रहे हैं हम तुरंत आके देख रहे हैं, ठीक है, टीवी प्रॉपर चल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपके इन्वर्टर में ये प्रॉब्लम आ रही है कि टीवी बंद हो जाती है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं अभी मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो UPS मोड है वो ऑफ किया है, ठीक है। UPS मोड मैंने ऑफ किया है, फिर भी इसका UPS बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। पहले क्या था, काफ़ी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आई बटन में, वो आप वीडियो देख लीजिए। एक्चुअली ये है जो इसमें जो सेटिंग गड़बड़ हो गई है UTL गामा प्लस में, यहाँ पर जो UPS मोड ऑन रखना था वहाँ पर ऑफ हो गया है UPS मोड, ठीक है। और जहाँ पर ऑन रखना था जो बटन, जिस बटन से हम ऑन करते हैं वहाँ पर ये ऑफ हो गया। तो यदि हम इसको 3 बार प्रेस करेंगे तो ये लाइट ब्लिंक हो जाएगी, यानी UPS मोड ऑन हो जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वो ऑफ होता है, ठीक है। तो आपको UPS, यदि आपके सोलर इन्वर्टर में UPS मोड वर्क नहीं कर रहा है तो आप इसको ऑफ रख के एक बार चेक करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि UPS मोड ठीक है या नहीं है। यह प्रॉब्लम काफ़ी UTL गामा प्लस जो सोलर इन्वर्टर है उसमें आई है, ठीक है। तो यदि आपका टीवी बंद हो जाता है या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आप यहाँ पर UPS मोड को ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर जो UPS मोड है वो वर्क करने लगेगा। मतलब ये डिफॉल्टेड प्रॉब्लम हुई है सभी UTL गामा प्लस में, आई थिंक थोड़ी सी सेटिंग वगैरह मतलब कुछ दिक्कत आई है उसमें, बट यह वर्क करता है। आप यहाँ पर जो IT मोड है इसको आप ऑफ कर दीजिए तो आपका जो टीवी है वो बंद नहीं होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट्स वगैरह हैं आपके तो आप मुझसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो अभी मैं इसको पहले की तरह कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर ये ऑन है, मेंस ऑन है, तो और यहाँ पर मैं सोलर भी अभी ऑन कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ समय के बाद यह जो लाइट है वह ऑरेंज कलर की हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मेंस आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर अभी एम्पियर भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर अभी 0 एम्पियर है, देखिए यहाँ पर एम्पियर आने स्टार्ट होंगे और बैटरी भी चार्ज होना स्टार्ट होगी क्योंकि मैंने ग्रिड चार्जिंग ऑफ की हुई है। तो यहाँ पर ग्रिड चार्जिंग भी ऑफ हो गई, एम्पियर भी आने लगे। तो आप इस तरह से अपने UTL गामा प्लस को UPS मोड को आप ठीक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स लूम सोलर के 530 वाट के पैनल के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है और यहाँ पर आप बैटरी को 10 ईयर्स कैसे चला सकते हैं इस पर मैंने वीडियो बनाया है। और यहाँ पर यह शार्क का 440 वाट का पैनल है, बहुत ही अच्छा पैनल है, काफी अच्छी आउटपुट जनरेट करता है। और यहाँ पर स्मार्टन 2.5 GB का चीप एंड बेस्ट सोलर इन्वर्टर है और यहाँ पर स्मार्टन प्राइम प्लस पर भी मैंने वीडियो बनाया। इन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। आई होप फ्रेंड्स अब आपको UTL गामा प्लस का जो UPS मोड है उसको कैसे फंक्शन में लाते हैं इसके बारे में पता लग गया होगा। और यदि अभी भी आपके कोई भी डाउट्स हैं UTL गामा प्लस से रिलेटेड तो आप उससे क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन का तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।